अब साथियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो जो लोन्स इशू किए गए हैं बैंक्स के द्वारा, जो काफ़ी पूछ लेते हैं वन लाइनर में, बहुत ही इजी होते हैं, आराम से आपको याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ये, मनीला में इसका हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है। कैसे आप याद रखेंगे? जो मैन अदब से रहेगा, जो मैन अदब से रहेगा एडीबी, ठीक है, एडीबी को आप समझिए अदब, अदब मतलब शिष्टाचार से या थोड़ा डिसिप्लिन से, उसे फल मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा, PHIL, फल मिलेगा, ठीक है, PHIL, ठीक है, ये फल। तो जो मैन अदब से रहेगा, मैन मतलब मनीला, जो एडीबी का हेडक्वार्टर है वो मनीला में है, और मनीला कहाँ है, वो फल में है, फल मतलब फिलीपींस। तो जो मैन अदब से रहेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले ये बता दूँ कि एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है मनीला, फिलीपींस में। आप इस ट्रिक से हमेशा इस चीज़ को याद रख पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे एडीबी ने लोन्स इशू किया है। तो 100 मिलियन डॉलर्स इशू किया है किसको? श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड को, ठीक है, एज पार्ट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, किसको किया है? श्रीराम फाइनेंशियल लिमिटेड को किया है, टू प्रोवाइड व्हीकल लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। खैर ये जानने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको याद रखना है श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन डॉलर्स इशू किया गया है बाय एडीबी, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ पे एडीबी ने लोन इशू किया है? त्रिपुरा में, टू स्ट्रेंथन पावर सेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्ट विल ऑल्सो फंड रिप्लेसमेंट ऑफ रोखला पावर प्लांट, आप ये भी याद रखिएगा, रोखला पावर प्लांट कहाँ है? त्रिपुरा में है, ठीक है। तो ये जो ये है एडीबी 220 मिलियन डॉलर्स त्रिपुरा को इशू करेगा लोन टू स्ट्रेंथन पावर सेक्टर इन त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा ऑल्सो साइंस 2275 करोड़ एग्रीमेंट विद एडीबी टू इम्प्रूव पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है। तो पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए एडीबी ने इतना लोन दिया है। कहाँ पे दिया है? त्रिपुरा में दिया है। पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बॉर्मिंग में कहाँ पे दिया था? श्रीराम फाइनेंस को दिया था। पावर सेक्टर में कहाँ पे दिया है? त्रिपुरा में दिया है। और एक और जगह लोन दिया है, कहाँ पे दिया है इन्होंने? नवा सेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड साइन 131 मिलियन लोन टू अपग्रेड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल लोकेटेड इन नई मुंबई। तो जेएलएन पोर्ट कंटेनर टर्मिनल को अपग्रेड करने के लिए भी एडीबी ने क्या दिया है? लोन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है एडीबी ने जो है वो पूरा लोन किसको दिया है? पूरा लोन किसको इशू किया है? श्री जवाहरलाल को, ठीक है, श्री जवाहरलाल को, जेएलएन को, ठीक है, आप जवाहरलाल नेहरू को आप याद रखेंगे। एडीबी ने जो लोन दिया है वो पूरा किसको दिया है? श्री जवाहरलाल को, पूरा मतलब त्रिपुरा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पावर सेक्टर में जाएगा लोन जो भी है, ठीक है, पूरा का पूरा पावर सेक्टर में आएगा, आपको याद रखना है। किस चीज़ के लिए दिया है? पूरा में पावर सेक्टर के लिए, ठीक है। श्री में मतलब श्री राम फाइनेंस लिमिटेड को किसके लिए मिला है? टू प्रोवाइड व्हीकल लोन टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, और जेएलएन को अपनी पोर्ट फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एडीबी ने पूरा का पूरा जो लोन दिया है वो किसको दिया है साथियों? श्री जवाहरलाल नेहरू को, श्री से श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू मतलब जेएलएनपीटी पोर्ट कंटेनर टर्मिनल जो कि लोकेटेड है नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। पूरा से क्या होगा मतलब त्रिपुरा। यहाँ पे पावर सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और पावर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए लोन प्रोवाइड किया गया है। कौन प्रोवाइड किया है? एडीबी ने, ठीक है। तो आपको याद है एडीबी ने पूरा का पूरा लोन कहाँ प्रोवाइड किया है? श्री जवाहरलाल नेहरू को प्रोवाइड किया है, और अदब से जो रहेगा उसको फल मिलेगा। जो मैन अदब से रहेगा, अब मैन मतलब मनीला और फिल से मतलब फिलीपींस। एडीबी स्टैब्लिश हुआ था 1967 में, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था 1967 में स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लोन एडीबी ने प्रोवाइड किया है। श्री राम फाइनेंस टू प्रोवाइड व्हीकल लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, फिर त्रिपुरा में टू स्ट्रेंथन पावर सेक्टर एंड ऑल्सो फंड रिप्लेसमेंट ऑफ रोखला पावर प्लांट, है ना, और तीसरी जगह पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क त्रिपुरा में ही, और ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल टू अपग्रेड इटसेल्फ इन नवी मुंबई महाराष्ट्र, 131 मिलियन का। जनरली ये क्वांटम नहीं पूछते हैं कितने का लोन हुआ, जनरली यही पूछते हैं एग्जाम में कि किससे या किस एंटिटी को लोन प्रोवाइड किया गया। तो आपको पता चल गया एडीबी ने पूरा का पूरा लोन कहाँ दिया है, किसको दिया है? श्री जवाहरलाल को, पूरा लोन श्री जवाहरलाल को दिया है, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और देखिए कितनी आसानी से तीनों चीज़ आराम से कवर हो गई, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको ये जो इन्फॉर्मेशन वो इतनी स्ट्रक्चर्ड और टेबुलर फॉर्म में प्रोवाइड किए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप एक बार पढ़ के जाएँ और आराम से बिंदास तरीके से आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं।
यहाँ पे साथियों हम लोग देख लेंगे जो जो भी एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन हुए हैं बैंक्स के अक्रॉस बैंकिंग सेक्टर्स, तो हम लोग उनको देख लेते हैं। तो पंजाब सिंध बैंक और एसबीआई कार्ड ने लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसके लिए लॉन्च किया गया है? क्रो ब्रांड को किसके लिए एमओयू साइन हुआ है? तो लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो अंडर दिस पार्टनरशिप थ्री कार्ड वेरियंट्स हैव बीन लॉन्च इंक्लूडिंग पीएसबी एसबीआई कार्ड इलीट, एसबीआई कार्ड प्राइम और सेव एसबीआई कार्ड, सिंपली सेव एसबीआई कार्ड, ठीक है। तो ये तीन वेरिएंट्स निकले हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड से, किसके किसके बीच? एसबीआई के बीच और पंजाब और सिंध के बीच। तो आपको याद रखना है कि एसएसपी को मिलेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। किसको मिलेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? एसएसपी को, एस से एसबीआई और एस से सिंध एंड पंजाब बैंक, आप उल्टा लिखिएगा सिंध एंड पंजाब बैंक, ठीक है। तो एसएसपी को मिलेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, आप ऐसे याद रखेंगे, ट्रिक है ये। एसएसपी को मिलेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, एसएसपी मतलब एक एस से एसबीआई, एक एस से सिंध और एक पी से पंजाब। तो सिंध एंड पंजाब बैंक ने एमओयू साइन किया है विद एसबीआई फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और ये इनके वेरिएंट्स कौन कौन से होंगे? एलीट, प्राइम और सिंपली सेव एसबीआई कार्ड, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईडीबीआई बैंक ने साइन किया है स्कीम ट्रांसफर अरेंजमेंट विद एलआईसी म्यूचुअल फंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्कीम्स ऑफ आईडीबीआई म्यूचुअल फंड टू एलआईसी म्यूचुअल फंड टू कंप्लाई रेगुलेशन 7B ऑफ सेबी, ठीक है। तो आईडीबीआई ने तो आईडी दिखा के ट्रांसफर किया गया, ठीक है, आईडी दिखा के ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर से क्या याद रखेंगे? स्कीम ट्रांसफर अरेंजमेंट, ठीक है। कहाँ, किसके साथ हुआ है? एलआईसी के साथ हुआ है, ठीक है, एलआईसी के साथ। आईडी दिखा के ट्रांसफर हुआ है कहाँ पे? एलआईसी में, ठीक है। आईडी दिखा के ट्रांसफर हुआ है कहाँ? एलआईसी में, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था कि एडीबी ने लोन किसको दिया है, पूरा का पूरा लोन किसको दिया है साथियों? श्री जवाहरलाल को। पूरा से क्या था? त्रिपुरा के पावर सेक्टर में। श्री से क्या था? श्री राम फाइनेंस फॉर ई व्हीकल्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और जवाहरलाल के लिए जवाहरलाल पोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या था? एसएसपी को मिलेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, और आईडी दिखा के स्कीम को ट्रांसफर किया गया है एलआईसी को, ठीक है। आईडी दिखा के ट्रांसफर हुआ है एलआईसी में, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, आईडीबीआई बैंक ने स्कीम ट्रांसफर अरेंजमेंट किसके साथ किया है? एलआईसी के साथ किया है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। किसके ट्रांसफर के लिए? म्यूचुअल फंड्स के ट्रांसफर के लिए। तो आपको याद रखना है कि आईडी दिखा के ट्रांसफर हुआ है कहाँ? एलआईसी में, ठीक है साथियों। नेक्स्ट एमओयू है साथियों, एचडीएफसी बैंक पार्टनर्स विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और येस बैंक ने भी पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ टू ट्रांसफॉर्म मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो है एचडी, जो सॉफ्ट एचडी है, एचडी वीडियोस है, जो सॉफ्ट एचडी वीडियोस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है। सॉफ्ट एचडी वीडियोस हैं जो, सॉफ्ट एचडी वीडियोस हैं जो, वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है। कौन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है? सॉफ्ट एचडी वीडियोस। सॉफ्ट से आप याद रखेंगे किसकी बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। सॉफ्ट से किसकी बात हो रही है साथियों? माइक्रोसॉफ्ट की। और एचडी से किसकी बात हो रही है? एचडीएफसी की, ठीक है। तो एचडीएफसी एचडी प्लस सॉफ्ट, मतलब सॉफ्ट एचडी क्या कर रहा है? सॉफ्ट एचडी वीडियोस क्या कर रहे हैं? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक एज अ पार्ट ऑफ इट्स फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी, ठीक है, फ्यूचर रेडी स्ट्रेटजी इज डेवलपिंग इन हाउस आईपीज एंड आल्सो पार्टनरिंग विद सेवरल कंपनीज इंक्लूडिंग फिनटेक्स टू को क्रिएट टेक्नोलॉजी आईपीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एचडीएफसी और माइक्रोसॉफ्ट ने पार्टनरशिप की है, यहाँ पे येस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू ट्रांसफॉर्म मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। मोबाइल बैंकिंग के लिए सॉफ्टी खाना है, ठीक है, सॉफ्टी, SOFTY, ठीक है साथियों। ये ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक थी कि HD वीडियोस जो है, सॉफ्ट HD वीडियोस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, है ना। सॉफ्ट HD वीडियो, सॉफ्ट से क्या था? माइक्रोसॉफ्ट, और HD से क्या था? HD वीडियोस। और किसके लिए हुआ था MOU साइन? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हुआ था, ठीक है। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या हुआ था कि HD सॉफ्ट वीडियोस, जो सॉफ्ट HD वीडियोस है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। यहाँ पे क्या है? मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए सॉफ्टी का यूज हो रहा है, ठीक है, सॉफ्टी का यूज हो रहा है। सॉफ्ट से आप माइक्रोसॉफ्ट याद रखेंगे और वाई से येस बैंक, ठीक है। सॉफ्टी का यूज हो रहा है मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए, किसका यूज हो रहा है? सॉफ्टी का। आपसे ये पूछेगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ पार्टनरशिप की है
मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको याद रखना है सॉफ्ट, जहाँ सॉफ्ट आएगा वहाँ पे आपको वाई लगा देना है, तो सॉफ्टी हो जाएगा, ठीक है, सॉफ्टी, ठीक है, सॉफ्टी से वाई से येस बैंक और सॉफ्ट से माइक्रोसॉफ्ट। आपसे पूछेंगे कि येस बैंक पार्टनरशिप कर रहा है, तो आपको याद रखना है कि ये वाई के पहले क्या है, सॉफ्ट, ठीक है, सॉफ्टी, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप क्या है। किसी भी तरीके से पूछेगा आप बहुत आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। वैसे ही आप HDFC का भी दे पाएंगे कि HDFC किसके साथ पार्टनरशिप किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो आपको याद रखना है सॉफ्ट HD वीडियोस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। सॉफ्ट से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, और HD से क्या है, HD वीडियोस से HDFC। वैसे उल्टा आपसे पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ पार्टनरशिप की है टू ब्रिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप याद रखेंगे कि सॉफ्ट HD वीडियोस ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। वैसे IDBI के लिए होगा कि ITI ने क्या किया है, ID देख के ट्रांसफर किया है LIC में, तो LIC आपसे पूछा है LIC म्यूचुअल फंड्स ने किससे ट्रांसफर लिया है, तो आपसे पूछेंगे यही कि म्यूचुअल फंड्स किससे ट्रांसफरशिप हुई है, तो आप बता पाएंगे ID देख के ट्रांसफरशिप हुई है, मतलब IDBI बैंक, ठीक है। और आपको याद रखना है SSP के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, SSP से मतलब S से SBI और SP से सिंध एंड पंजाब बैंक, ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों ट्रिक के माध्यम से कवर हो गए। हम लोग लास्ट देख लेते हैं, जो इंडिया एक्सेलरेटर पार्टनर है, जो इंडिया एक्सेलरेटर है उसने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ और इंफोसिस फिनेकल के साथ, ठीक है, टू फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को वो करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए या डेवलप करने के लिए इंडिया एक्सेलरेटर ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 3I, ना 3I, तीनों आई से है, इंडिया एक्सेलरेटर, ICICI और इंफोसिस, ठीक है। और ये क्या लॉन्च करेंगे, i3 लॉन्च पैड, ठीक है, एज लॉन्च IT विच वॉज डेवलप्ड इन पार्टनरशिप विद ICICI बैंक एंड इन्फोसिस फिनेकल, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, इंडिया एक्सेलरेटर जो है वो पार्टनर किया है किसके साथ, आपको पूछेगा कि इंडिया एक्सेलरेटर ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च i3 लॉन्च पैड, तो देखिए इसमें i3 ऑलरेडी भी है ना, i3 तो आप समझ जाएंगे, 3I की बात हो रही है। पहला आई है इंडिया एक्सेलरेटर जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है जो, दूसरा आई है साथियों ICICI बैंक, और तीसरा है इंस्टीट्यूशन इंफोसिस फिनेकल, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखेंगे i3 लॉन्च पैड, i3 से ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा 3I की बात हो रही है, और 3I वो कौन कौन से, इंडियन एक्सेलरेटर, ICICI बैंक और इंफोसिस फिनेकल, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए एक बार फिर से बस रिवाइज कर लेते हैं, SSP को पसंद है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ID दिखा के ट्रांसफर किया गया है LIC में, सॉफ्ट HD वीडियो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ला रहे हैं, सॉफ्टी यूज़ किया जा रहा है मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए, सॉफ्ट मतलब माइक्रोसॉफ्ट, YSA येस बैंक, और 3I लॉन्च पैड, i3 लॉन्च पैड, इंडियन एक्सेलरेटर, i3 लॉन्च पैड, ठीक है। तो 3I की बात हो रही है, i3 लॉन्च पैड, ICICI बैंक जिसमें पार्टनरशिप किया है, इन्फोसिस पार्टनर है, और इंडिया एक्सेलरेटर जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो एक पार्टनर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और याद भी हो रही होंगी। देखिए मैंने आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में कर दिया है ताकि कोई भी परेशानी ना हो कि बार बार याद करना पड़े। ये टेबुलर फॉर्म में जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है ना साथियों, वो आपके दिमाग में ब्लॉक की तरह हो जाती है, एक ब्लॉक आपका फिट हो जाता है जिस ब्लॉक में आपकी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, ठीक है। जो ब्लॉक 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 बने रहते हैं, ब्लॉक यहाँ ब्लॉक मतलब रोकने वाला ब्लॉक नहीं, जो एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स रहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक्स जो रहते हैं वो आपके बने रहेंगे ब्लॉक्स के माध्यम से, तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक, ठीक है साथियों। तो इसीलिए ये ब्लॉक आपका कवर हो गया किसके माध्यम से, पूरा ट्रिक्स एंड टिप्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और MOUs देख लेते हैं, ये कुछ और MOUs है साथियों देख लेते हैं। तो इंडसलैंड बैंक ने पार्टनरशिप किया है विद ब्रिटिश एंड कतर एयरवेज फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अभी हम लोग ने पीछे देखा था को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसको मिला है, SSP को, एस से मतलब साथियों SBI और SP से सिंध एंड पंजाब बैंक, ठीक है। तो वहाँ देखिए वो वाला रिवाइज हो गया, अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो इंडसलैंड बैंक ने पार्टनरशिप किया है विद ब्रिटिश एंड कतर एयरवेज फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो आपको याद रखना है कि इंदू ने ब्रिटिश को कतार में लगा दिया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, ठीक है। इंदू ने ब्रिटिश को कतार में लगा दिया क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, ठीक है। इंदू से आपको याद रखना है इंडसलैंड बैंक, ब्रिटिश से आपको याद रखना है ब्रिटिश एयरवेज, और कतार से आपको याद रखना है कतार एयरवेज, ठीक है। कतार वैसे तो मतलब होता है क्यू लाइन, ठीक है। तो इंदू ने ब्रिटिश को कतार में लगा दिया फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो आपसे ही पूछेगा कि ब्रिटिश
एंड कतर एयरवेज ने किसके साथ मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए एमओयू साइन किया है, तो आप बता देंगे इंदु के साथ। आपसे पूछेंगे इंदु ने किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो आपको याद रखना है कि इंदु ने ब्रिटिश किसको लगा दिया कतार में, ब्रिटिश को कतार में लगा दिया फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इस तरह तीनों डायमेंशन इसमें कवर हो चुके हैं, तीनों एंटिटीज इसमें कवर हो चुकी हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे नेक्स्ट एमओयू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमओयू है साथियों, एक्सिस बैंक और ओपन ने एक एमओयू साइन किया है फॉर अ फुली डिजिटल करेंट अकाउंट। ठीक है, फुली डिजिटल करेंट अकाउंट, ठीक है, आपको याद रखना है फुली डिजिटल करेंट अकाउंट। ओपन मतलब होता है खुला, ठीक है, ओपन मतलब क्या होता है खुला, ठीक है, ओपन मतलब होता है खुला, खुला क्या जो भी खुला होगा उसको एक्सेस होगा ना, ठीक है, तो एक्सेस और ओपन एक ही मतलब होता है एक तरीके से, ठीक है, एक्सेस और ओपन एक ही मतलब होता है। तो एक्सेस और ओपन ने किसके लिए लॉन्च किया है, करंट के लिए, तो जो भी जहाँ पे भी एक्सेस होगा, जहाँ ओपन होगा वहाँ पे करंट लग जाएगा, आप ऐसे देख लीजिएगा। तो डिजिटल करंट अकाउंट के लिए इन्होंने पार्टनरशिप की है, ठीक है, फुली डिजिटल करेंट अकाउंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि डिजिटल करेंट अकाउंट किसके लिए, करेंट किस कहाँ पे लगेगा, जो भी ओपन होगा या जहाँ पे एक्सेस होगा, तो एक्सेस और ओपन ने मिलके करेंट अकाउंट डिजिटाइज करने के लिए ये एमओयू साइन किया है, ठीक है, एक्सेस और ओपन ने, ठीक है, ओपन होगा तो एक्सेस होगा, ओपन होगा तो करेंट लगेगा, ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। तो ओपन और एक्सेस मिलकर डिजिटल करेंट अकाउंट के लिए एमओयू साइन किए हैं, ठीक है। और एक्सिस बैंक ने एक और एमओयू साइन किया है लेकिन आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ, किसके लिए, सेटअप सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आपको ये याद रखना है, ठीक है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग से तो आप याद ही रखेंगे आईआईएससी की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन किसके साथ आपसे पूछेंगे, आईआईएससी ने किसके साथ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए एमओयू साइन किया, तो आपको याद रखना है एक्सिस बैंक के साथ। आप कैसे याद रखेंगे, आप जानते होंगे ना मैथ्स में एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ये कहाँ पे होते हैं, मैथ्स में होते हैं, तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कहाँ होगी, एक्सिस पे होगी, ठीक है, एक्सिस बैंक में होगी। आप ऐसे रिलेट करके आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। एक्सिस कहाँ होती है साथियों, एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मैथ्स में होती है ना, मैथ्स के ज्योमेट्री में, ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स में ये एक्सिस होगी, ठीक है। तो एक्सिस बैंक और आईआईएससी ने साइन किया है फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है साथियों, कोटेक जनरल इंश्योरेंस टाइज अप विद क्लूक ट्रॉक टू बूस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रैक पे रहे इसलिए कोटेक, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रैक पे रहे इसलिए क्लू ट्रैक, ठीक है, इसलिए कोटेक, सॉरी क्लू ट्रैक का तो यही हो गया, इसलिए कोटेक, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रैक पे रहे, ट्रैक मतलब क्लू ट्रैक, इसलिए कोटैक, देखिए सब सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, तो आपको ऐसे याद रहेगा। कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए साइन अप किया है कोटेक जनरल इंश्योरेंस ने क्लू ट्रैक के साथ, ठीक है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रैक में रखने के लिए कोटैक, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रैक करने के लिए कोटैक, ठीक है, ट्रैक से कूट्रैक और कोटेक से आप कोटेक बैंक, कोटेक जनरल इंश्योरेंस, सॉरी, ठीक है, तो कोटेक जनरल इंश्योरेंस ने टाई अप किया है क्लू ट्रैक के साथ टू बूस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस, ये भी एमओयू हम लोग ने कवर कर लिया। नेक्स्ट एमओयू देख लेते हैं हम लोग साथियों, बजाज अलायंस ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ, ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ क्या किया है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए साइन अप किया है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए साइन अप किया है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो पंजाबी गाने होते हैं वो बहुत तेज बजते हैं ना, पंजाबी गाने बहुत तेज बजाता है, ठीक है, पंजाबी गानों का बाजा बहुत तेज बजता है, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके किसके बीच हुई है, पंजाब और बजाज अलायंस के बीच, तो पंजाबी गाना बहुत तेज बजता है, ठीक है, बहुत तेज बजाते हैं बाजे पे, ठीक है, बाजा मतलब वही स्पीकर्स और ये सब, ठीक है, तो पंजाबी गाना बहुत तेज बजता है, इसलिए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किसके किसके बीच हुई है, पंजाब और सिंध बैंक और बजाज अलायंस के बीच। एक चीज़ और हुई है पंजाब और सिंध बैंक में साथियों, आप कैसे याद रखेंगे, SSP को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, तो पंजाब एंड सिंध बैंक ने SBI के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए MOU साइन किया था, जो हम लोग ने पीछे पढ़ा था। लास्ट MOU है साथियों, मतलब इस टेबल का लास्ट MOU है, गरुड़ एयरस्पेस ने पार्टनर किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर लोन अंडर किसान पुष्पक स्कीम, ठीक है, इसमें किसान को ड्रोन्स मिलेंगे, ठीक है, अंडर दिस पार्टनरशिप 150 गरुड़ एग्री किसान ड्रोन्स हैव रिसीव्ड सैंक्शन फॉर लोन अंडर यूनियन किसान पुष्पक स्कीम, ठीक है, इसमें किसान को ड्रोन्स की सुविधा मिलेगी, आप इसे लोन ले सकते हैं ड्रोन्स के लिए, ठीक है, या ड्रोन्स इसको ड्रोन सप्लाई करेंगे लोग, ठीक है, गरुड़ एयर स्पेस किसके साथ मिलकर, यूनियन के साथ मिलकर, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि गरुड़ ने
यूनियन बैंक के साथ किया ना, ठीक है। याद रखना यूजी, ठीक है, यू से यूनियन बैंक और जी से गरुड़, तो यूजी फॉर किसान ड्रोन्स, ठीक है, यूजी फॉर किसान ड्रोन्स, यू से यूनियन बैंक और जी से गरुड़ ड्रोन्स। एक बार चलिए फिर से सारे एमओयूज देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक पार्टनरशिप ब्रिटिश एंड कतर एयरवेज, इसका है साथियों, इंदू ने ब्रिटिश को कतर में, कतार में लगवा दिया फॉर मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। इंदू से इंडस बैंक, ब्रिटिश से ब्रिटिश एयरवेज और कतर से कतर एयरवेज। नेक्स्ट है साथियों, एक्सिस बैंक एंड ओपन टू लॉन्च फुली डिजिटल करेंट अकाउंट, तो जो एक्सिस है उस वो ओपन होगा और जहाँ ओपन है वहाँ करेंट लगेगा टू लॉन्च, तो इसलिए फुली डिजिटल करेंट अकाउंट है ना। एक्सिस बैंक और ओपन ने फुली डिजिटल करेंट अकाउंट के लिए एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक और आईएससी ने साइन अप किया है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग सेंटर के लिए। एक्सिस मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि मैथ्स में होता है, ठीक है, और आईआईएससी जो है वो है कंप्यूटिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे, सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। कस्टमर एक्सपीरियंस को ट्रैक करने के लिए कोटैक, ठीक है, कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए किसके बीच एमओयू साइन अप हुआ है, क्लू ट्रैक और कोटैक, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, बजाज अलायंस और पंजाब एंड सिंध बैंक ने एमओयू साइन किया है फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब होती है तो पंजाबी गाने बजते हैं, है ना, ऐसे याद रखना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है तो पंजाबी गाने बजते हैं, मतलब बजाज अलायंस, और पंजाबी गाना मतलब पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। गरुड़ एयर स्पेस ने किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो यूजी किया है फॉर एग्री किसान ड्रोन, तो यूजी किया है फॉर एग्री किसान ड्रोन, तो यू से है यूबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जी से है साथियों गरुड़। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पूरी समझ में आ गई होगी और सारा ही एमओयू जो भी इस स्लाइड में दिए हैं आपको आसानी से याद हो गए होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और एमओयू आपकी लिए हाजिर करता हूँ। नेक्स्ट एमओयू साथियों हैं, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ बैंक का इंश्योरेंस की पार्टनरशिप की है। बैंक का इंश्योरेंस क्या होता है साथियों, बैंक में ही आपको किसी कंपनी का इंश्योरेंस के लिए ऑफर मिले तो उसे ही बैंक को बैंक का इंश्योरेंस कहते हैं। कोई बैंक पार्टनरशिप करता है किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि जो भी बैंकिंग बैंक कस्टमर्स होंगे उनको हम बोलेंगे, उनको हम प्रपोज करेंगे कि आपकी इंश्योरेंस ले लें, इसी को बैंक का इंश्योरेंस पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। तो आदित्य बिरला ने किसके साथ किया है साथियों, पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, किसके लिए, बैंक का इंश्योरेंस के लिए। तो आप कैसे याद रखेंगे, पंजाब में ऐड आता है, ठीक है, पंजाब में ऐड आता है, ठीक है, बैंक का इंश्योरेंस का ऐड आता है, ऐड से आप याद रखेंगे आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो पंजाब में क्या आता है, ऐड आता है बैंक का इंश्योरेंस का, तो आप याद रखेंगे बैंक का इंश्योरेंस का ऐड कहाँ आता है, पंजाब में आता है, और एडी से है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस और पंजाब से है ऑब्वियसली पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट है साथियों, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैज साइन एमओयू विद एसबीआई टू हेल्प फार्मर्स इन अवेलिंग लो इंटरेस्ट लोन्स। तो SBI से वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये साइन अप किया, ये आपको याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्लस SBI मिलके ये लो इंटरेस्ट लोन लॉन्च कर रहे हैं किसानों के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है सभी वेयर हाउस में लोन मिलता है इंटरेस्ट लोन मिलता है फार्मर्स को, सभी वेयर हाउस में, आपको याद है सभी वेयर हाउस, तो वेयर हाउस हो गया वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और सभी हो गया मतलब SBI का जो शॉर्ट फॉर्म सभी का जो शॉर्ट है वो SBI से है, और वेयर हाउसिंग मतलब वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो आपको याद रखना है सभी वेयर हाउस में फार्मर्स को लोन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, पंजाब ऐड देता है बैंक का इंश्योरेंस का, ठीक है, पंजाब में ऐड आता है बैंक का इंश्योरेंस का और सभी वेयर हाउस में लोन मिल जाता है, सभी से SBI और वेयर हाउस मतलब वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है साथियों। तो यहाँ हम लोग के दो MOU कवर होते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेटीएम और सिटी ने अपनी पार्टनरशिप एंड की है फॉर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेटीएम सिटी कार्ड, ठीक है, तो आपको याद रखना है पेटीएम सिटी में नहीं काम कर रहा है, ठीक है, काम नहीं कर रहा मतलब पार्टनरशिप एंड हो गई है, ठीक है, तो पेटीएम जो है सिटी में नहीं काम हो कर पा रहा है, ठीक है, सिटी में क्या नहीं हो पा रहा है, पेटीएम पे नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो सिटी और पेटीएम ने अपना जो रिलेशनशिप है वो एंड कर दिया है, पार्टनरशिप है वो एंड कर दिया है, ठीक है, तो पेटीएम नहीं हो पा रहा है सिटी में, या सिटी में पेटीएम नहीं यूज हो पा रहा है, आप ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट एमओयू है साथियों, टाटा मोटर्स ने ICICI बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू ऑफर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस टू ईवी डीलर्स, ठीक है, तो आप ऐसे याद रखेंगे टी
आई ई, ठीक है। टाटा से आपको याद रखेगा टाटा टी, वैसे आप टाटा टाई याद रखेंगे, ठीक है। तो टी से टाटा मोटर्स, आई से आईसीआईसीआई और ई से ईवी, तो ईवी के लिए पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। किसके किसके बीच साथियों? टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और ईवी डीलर्स के लिए, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक से याद आया होगा साथियों आपको, 3i की बात, 3i आइडिया लॉन्च पैड, i3 लॉन्च पैड, ठीक है। तो 3i में क्या था? इंडिया एक्सेलरेटर, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस फिनेकल, जो अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को लिंक करके चलना है ताकि सारी चीज़ें आसानी से कवर हो सकें और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े हम लोग को रिविजन करने में भी, ठीक है। तो टाटा मोटर्स ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ किसके लिए पार्टनरशिप की है? टाई के लिए, ठीक है। टाई मतलब टाटा इंश्योरेंस, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई और ई से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डीलर्स, ठीक है। ईवी डीलरशिप के लिए टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई बैंक में पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट एमओयूज देख लेते हैं। नेक्स्ट एमओयू है साथियों पीएनबी और आधार हाउसिंग फाइनेंस के बीच, जो कि को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है टू ऑफर होम लोन, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि होम लोन्स के लिए पंजाब नेशनल बैंक और आधार ने को लेंडिंग पार्टनरशिप की है, ठीक है। बस इतना याद रखना। पंजाब से आपको ये भी याद आ जाएगा ना, पंजाब में ऐड आता है बैंक अश्योरेंस का, पर वो है पंजाब और सिंध बैंक के लिए। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की बात हो रही है, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक और आधार हाउसिंग फाइनेंस ने पार्टनरशिप के लिए, को लेंडिंग पार्टनरशिप के लिए एक एमओयू साइन किया है टू ऑफर होम लोन्स, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद पीएनबी फॉर लॉन्ग टर्म बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपको याद रखना है पीएनबी में स्टार है, पीएनबी में स्टार है और आधार है, ठीक। आपको याद ना, पीएनबी में स्टार है और आधार है, दो चीज़ें आपकी ऐसे कवर हो जाएंगी पीएनबी से रिलेटेड, ठीक है। तो पीएनबी ने किस आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ पार्टनरशिप की है और स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस के साथ फॉर बैंक का इंश्योरेंस। तो आपको याद रखना है पीएनबी जो है पंजाब नेशनल बैंक, एक तो स्टार है ऊपर से आधार भी है, ठीक है। स्टार और आधार कहाँ? पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। स्टार से क्या है साथियों? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, जिसके लिए किसके लिए पार्टनरशिप हुई है? बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट के लिए। बैंक का इंश्योरेंस मैंने अभी आपको बता दिया है क्या मतलब होता है बैंक का इंश्योरेंस का। और आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए फॉर को लेंडिंग पार्टनरशिप टू ऑफर होम लोन्स, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये एमओयू समझ में आए होंगे। चलिए एक बार से हम लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पंजाब एंड सिंध में आपको क्या पता है? पंजाब एंड सिंध में बहुत बैंक का इंश्योरेंस का ऐड आता है, ऐड से आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ऐड कहाँ पे आता है साथियों? पंजाब एंड सिंध में आता है, ठीक है। पंजाब एंड सिंध में आता है, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना है। फिर वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने किसके साथ? एसबीआई के साथ लॉन्च किया है एमओयू टू हेल्प फार्मर्स इन अवेलिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स, ठीक है। तो सभी सभी एसबीआई सभी को साथियों यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि सभी को एसबीआई से लोन मिलेगा, ठीक है। सभी फार्मर्स को वेयर हाउस से लोन मिलेगा, ठीक है। सभी फार्मर्स को वेयर हाउस से लोन मिलेगा सभी। और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच पार्टनरशिप हुई है इन अवेलिंग लो इंटरेस्ट लोन्स। तो एक ट्रिक ये हो गई साथियों। अब दूसरी ट्रिक क्या आती है दूसरे एमओयूज के लिए, इनके लिए, कि सिटी में पेटीएम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। सिटी में पेटीएम काम नहीं कर रहा है। पेटीएम कहाँ नहीं काम कर रहा है? सिटी में। सिटी में क्या नहीं काम कर रहा है? पेटीएम में। तो या तो आप ऐसे पूछें तब भी आप आंसर दे पाएंगे, उल्टा पूछें तब भी आप आराम से दे पाएंगे। टाटा मोटर्स और आईसीआईसीआई ने किसके लिए किया है साथियों? टाई के लिए, ठीक है। टी आई ई, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डीलरशिप, आई से आईसीआईसीआई बैंक और टी से साथियों टाटा मोटर्स, ठीक है। पीएनबी क्या है साथियों? पीएनबी है स्टार और आधार। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, बैंक का इंश्योरेंस के लिए लॉन्च किया है स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस फॉर लॉन्ग टर्म बैंक का इंश्योरेंस। और आधार मतलब आधार हाउसिंग फाइनेंस
टू ऑफर होम लोन्स। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और सारे एमओयूज इस स्लाइड के कंप्लीट हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमओयूज देख लेते हैं। अब यहाँ पे साथियों कुछ रेगुलेशन है सेबी द्वारा, जिसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप सेबी ग्रेड ए की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन न्यूज़ पे। हम लोग देख लेते हैं क्या है ये न्यूज़। तो सेबी जो है उन्होंने डेट ब्रोकर लाइसेंस दिया है गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज़ को किसने डेट ब्रोकर का लाइसेंस दिया है? सेबी ने। किसको दिया है साथियों? गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, आपको याद रखना है सेबी इश्यूज डेट ब्रोकर लाइसेंस टू जीरोधा बैड। जीरोधा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीरोधा है वैसे ग्रो है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपना शेयर्स इक्विटीज़ में, ऐसे ऐसे जगहों पर। ठीक है, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसको किसको मिला है? ये गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज को मिला है। आपको ध्यान रखना है किसको मिला है? गोल्डन पाई टेक्नोलॉजीज को। नेक्स्ट है साथियों, सेबी रिलैक्स सर्टेन प्रोविजंस ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन रिलेटिंग टू डिस्पैच ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट ड्यू इन द ईयर 2023 टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स, ये डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? जो एक्चुअली डेट होती है, डेट का फुल फॉर्म होता है, DEBT से बन जाता है डिबेंचर। ठीक है, जो कंपनीज डेट लेती हैं और जो कंपनीज को डेट देते हैं उनको डिबेंचर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस हैं वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स 2015 को रिलेटेड हैं डिबेंचर होल्डर्स के लिए। ठीक है, विच शैल टेक प्लेस इमीडिएटली, द अर्लियर एक्सटेंशन लास्टेड अंटिल दिसंबर 31, 2022। ठीक है, और ये रिलैक्सेशन दिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? सेक्शन 11 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग ऑफ सेबी एक्ट 1992। ठीक है, पुत्ता ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है? सेबी इशूड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग स्टॉक एक्सचेंज आउटेजेस एंड एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स इन केस ऑफ एन आउटेज। स्टॉक एक्सचेंज आउटेज क्या होता है साथियों? मान लीजिए स्टॉक एक्सचेंज का टाइम होता है 9 से 3। ठीक है, 9 बजे 3 बजे के बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ट्रेडिंग स्टॉप हो गई, या तो सेबी की कोई गलती हो या बाहर से कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई ऐसा फॉल्ट हो जाए जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ट्रेडिंग हैम्पर होने लग जाए, उसको कहते हैं स्टॉक मार्केट आउटेज। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट का जो आउटेज है वो नॉर्मलसी में नहीं आता है 1 घंटे के अंदर, तो ट्रेडिंग आवर्स बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब एडिशनल 1.5 आवर मिल जाएगा। ठीक है, आपको यही याद रखना है कि एडिशनल 1.5 आवर मिल जाएगा अगर ट्रेडिंग जो होती है, जो ट्रेडिंग आवर्स होती हैं, ट्रेडिंग आउटेज जो होती है वो नॉर्मलसी में नहीं होती है अगर मार्केट 1 घंटे बाद बंद होने वाला है तो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि स्टॉक मार्केट आउटेज क्या होता है, और आपने ये भी जान लिया है कि इसका मतलब और इसके मतलब से क्या होता है कि ट्रेडिंग आवर्स को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और आउटेज अगर होता है आखिरी के 15 मिनट में, मतलब 3 बजे मार्केट बंद होती है और 2:45 से ट्रेडिंग वो आउटेज हो जाता है, तो उसके चलते ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस विल बी एक्सटेंडेड फॉर 1.5 आवर। ठीक है, तो मान लीजिए 2:15 पे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्सचेंज आउटेज हुआ जिसकी वजह से ट्रेडिंग आवर्स को एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल 5 PM फॉर द डे। ठीक है साथियों, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जो है इन्फॉर्म करना है स्टेक होल्डर्स को आउटेज के बारे में 15 मिनट के अंदर, सारे जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनको 15 मिनट के अंदर आपको स्टॉक एक्सचेंज आउटेज के बारे में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और फिर एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग आवर्स, इफ द ट्रेडिंग आवर्स ऑन द इफेक्टिव स्टॉक एक्सचेंज मेजर्स रिज्यूम्स टू नॉर्मलसी 1 आवर बिफोर नॉर्मली स्केड्यूल्ड मार्केट क्लोजर। मतलब मान लीजिए 5 बजे बंद हो, 3 बजे बंद होता है, 2 बजे के अंदर हो गया, तो ट्रेडिंग आवर्स ऑन दैट डे फॉर ऑल स्टॉक एक्सचेंज वुड रिमेन अनचेंज। ठीक है, 1 घंटे के पहले अंदर अगर हो जाता है तो अनचेंज रहेंगे, मतलब कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा ट्रेडिंग आवर्स में, और 3 बजे मार्केट हो जाएगी। बट इफ नॉट रिज्यूम विद इन 1 आवर देन ट्रेडिंग आवर्स वुड गेट एक्सटेंडेड फॉर 1.5 आवर्स ऑन दैट डे। ठीक है, तो अगर 1 घंटे के अंदर आउटेज नहीं क्लियर होती है तो बढ़ा दिया जाएगा 1.5 आवर के लिए ट्रेडिंग को। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ये सारी न्यूज़ सेबी से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं। ये भी पूरी सेबी स्पेसिफिक न्यूज़ है, तो जो सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सी खासी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सेबी अलाउड स्टॉक एक्सचेंजेस टू लॉन्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस ऑफ कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज रेटेड AA+। ठीक है, एंड अबव टू एनहांस लिक्विडिटी इन बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस में सेबी ने अलाउ कर दिया है, अब लॉन्च कर सकते हैं डेट सिक्योरिटीज ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस टू लॉन्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अब साइनअप किया जा सकता है, लेकिन डेट सिक्योरिटी जिनकी AA+ हो। ठीक है,
उसके लिए रेगुलेशंस क्या क्या हैं, देर शुड बी एटलीस्ट 8 इशूअर्स इन द इंडेक्स विद नॉट मोर देन 15% वेटेज बाय सिंगल इशूअर एंड नॉट मोर देन 25% बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इशूअर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी लेस देन 2 लाख एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, टेनर क्या होना चाहिए, अप टू 3 ईयर्स। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट का जो अमाउंट होनी चाहिए वो 2 लाख से कम नहीं होनी चाहिए और टेन्योर जो होना चाहिए वो 3 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी ने अमेंड किया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 टू अलाउ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स टू पार्टिसिपेट इन क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स मार्केट एज प्रोटेक्शन बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि सेबी ने अमेंड किया है सेबी रेगुलेशन फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, सेबी ने लॉन्च किया है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडिसेस। ठीक है, बस इतना ही चीज़ है और इससे ज़्यादा आपको उसमें कुछ नहीं याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर करते हैं। कुछ और न्यूज़ है साथियों, सेबी ने लॉन्च किया है डेटाबेस ऑन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। ऑब्वियसली बॉन्ड्स वाली जो चीज़ होंगी वो सारी कौन रेगुलेट करता है, सेबी, तो इसलिए डेटाबेस भी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का किसके पास होगा, सेबी के ही पास होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेबी हैज़ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ म्यूचुअल फंड एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय सिंगल इशूअर टू 12% ऑफ नेट एसेट वैल्यू फ्रॉम 10%। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में सिंगल इशूअर के लिए 10% से बढ़ा के अब नेट एसेट वैल्यू कर दिया गया है 12%। ठीक, ऑन ऑल न्यू स्कीम्स आपको याद रखना है, 10% से बढ़ा के 12% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं सिंगल इशूअर इन म्यूचुअल फंड इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सेबी हैज अलाउड द स्टॉक एक्सचेंज टू लॉन्च मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ कमोडिटी टू अट्रैक्ट मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर्स इन कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, इन एन अटेम्प्ट टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज फॉर ट्रेडिंग बाय इन्वेस्टर्स, सेबी रिड्यूस द टाइमलाइन ऑफ लिस्टिंग और डेट सिक्योरिटीज इश्यूज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट टू 10.3 डेज फ्रॉम द करेंट टाइमलाइन ऑफ T+4 डेज। ठीक है, टी मतलब होता है क्लोजर डेट, टी मतलब होता है ट्रांजैक्शन भी डेट इसको कहते हैं। ठीक है, क्लोजर डेट। ठीक है, तो जो सेबी ने जो टाइमलाइन रिड्यूस की है वो किसके लिए रिड्यूस की है, डेट सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए अब T+3 हो गया है। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर जो सिक्योरिटीज लॉन्च होंगी वो लिस्ट हो जाएंगे T+3 डेज के अंदर, ना कि T+4 डेज के अंदर। आपको ये याद रखना है, ये वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर टाइप है, और ये वाली न्यूज़ है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट लिमिट जिसकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी है सेबी ने ऑफ 12% ऑफ नेट एसेट वैल्यू फ्रॉम 10%। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में जो भी सिक्योरिटीज इशू होंगी वो लिस्ट हो जाएंगी T+3 डेज में, जो कि कम है T+4 डेज से। तो पहले T+4 डेज लेते थे, अब T+3 डेज लेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ अपनी कवर कर लेते हैं। अब साथियों नाबार्ड की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो नाबार्ड रेजेस अराउंड ₹5,000 करोड़ वाया 3-ईयर बॉन्ड्स अंडर इट्स फर्स्ट इशू ऑफ फंड रेजिंग थ्रू बॉन्ड्स इन 2023। ठीक है, तो कितना रेज किया है साथियों, आपको याद रखना है 5,000 करोड़। ठीक है, 5,000 करोड़। और जो RBI सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स के रेस करेगा वो कितनी क्वांटम है साथियों, वो है 16,000 करोड़। दो ट्रांचेज में होंगी, 8,000 करोड़ की दो ट्रांचेज में RBI ये रेस करेगा सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, तो नाबार्ड ने कितना लोन रेस किया है, 5,000 करोड़ वाया 3-ईयर बॉन्ड्स। ठीक है, और सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए साथियों कितने साल के 10 ईयर्स हैं, 5 ईयर और 10 साल के लिए, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। तो ये 3-ईयर बॉन्ड इशू करेगा नाबार्ड, कितना, 5,000 करोड़ रेस करने के लिए। ठीक है, हॉकी वाली सरपंच इंक पैक्ट विद नाबार्ड टू स्टार्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फॉर राजस्थान फार्मर्स टू सपोर्ट द फार्मर्स ऑफ राजस्थान लांबी अहिर विलेज। नीरू यादव, फॉन्डली नोन एज हॉकी वाली सरपंच, ठीक हैज मेड एन अरेंजमेंट एग्रीमेंट विद नाबार्ड टू स्टार्ट FPO सच्ची सहेली महिला एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो आपको याद रखना है कि नाबार्ड ने किसके साथ MOU किया है, हॉकी वाली सरपंच। हॉकी वाली सरपंच कौन है, नीरू यादव। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं बना पाया साथियों, आपको इसको ऐसे ही याद कर लेना है, नाबार्ड ने हॉकी वाली सरपंच को हॉकी सरपंच के साथ MOU साइन किया है टू स्टार्ट फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। ठीक है, चलिए बना ही देते हैं कि राजा ने ना बोला किसको, हॉकी वाली सरपंच को। ठीक है, राजा ने ना बोला हॉकी वाली सरपंच को। तो राजा मतलब राजस्थान, ना मतलब नाबार्ड, और हॉकी वाली सरपंच जो कि है नीरू यादव, किसके लिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो राजा ने ना बोला FPO बनाने के लिए किसको, हॉकी वाली सरपंच को। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और MOUs देख लेते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों इंडियन बैंक से रिलेटेड। तो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है क्विक रिस्पॉन्स कोड बिल सिस्टम फॉर चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेकिंग इट द फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टू ऑफर सच एन इनिशिएटिव टू कस्टमर्स इन मैसूरू कर्नाटका। ठीक है, तो इंडियन बैंक ने QR लॉन्च किया है। ठीक है, इंडियन बैंक ने QR लॉन्च किया कहाँ के लिए? कर्नाटका में चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन के लिए। ठीक है, किसके लिए QR? किसके लिए? चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए, कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, आपको याद रखना है कि इंडियन बैंक ने QR अनवील किया है चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन के लिए, जो कि है कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। जहाँ बंधन वहाँ ट्रस्ट, इसको तो याद ही नहीं करना, बंधन से आप जान ही जाएंगे बंधन बैंक की बात हो रही है। फीचरिंग सौरभ गांगुली। ठीक है, किसको फीचर किया है साथियों? सौरभ गांगुली को। नेक्स्ट है सिडबी, जो है सिडबी ने टाई अप किया है विद कोलकाता बेस्ड VFS कैपिटल लिमिटेड टू एक्सटेंड लोन्स टू MSME। ठीक है, MSME को वो सपोर्ट करने के लिए VFS कैपिटल ने सिडबी के साथ पार्टनरशिप किया। तो आपको याद रखना है SVS। ठीक है, SVS, V से VFS कैपिटल, S से SME सेक्टर और S से सिडबी। ठीक है, SVS आपको इसके लिए याद रखना है। ठीक है, SVS आपको इसके लिए याद रखना है। ICICI बैंक से साथियों आपको याद आ जाएगा पहले तो कि i3 लॉन्च पैड, i3 आइडिया पैड सॉरी। तो इसके साथ इसने किसको कवर अप किया था, मतलब कवर किया था पार्टनरशिप के लिए? इंडिया एक्सेलरेटर और इंफोसिस फिनेकल। अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था ना, तो हम लोग ने वही रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है ICICI बैंक? इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। तो आई से पहले साथियों कौन सा वॉवल आता है? ई आता है, तो ई से एक्सिस बैंक, एक्सिम बैंक सॉरी, एक्सिम बैंक एक्सपोर्टर्स के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो किसके लिए लॉन्च किया है? एक्स के लिए। ठीक है, एक्सपोर्टर्स के लिए लॉन्च किया है। तो आई से, आई आपसे पूछेगा डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर एक्सपोर्टर्स किसने लॉन्च किया है, तो आई के बाद कौन सा वॉवल आता है? आई, तो आई से ICICI बैंक। ठीक है साथियों, आपको ऐसे याद रखना है, ICICI बाद एक्सपोर्टर्स के लिए लॉन्च किया गया एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ बैंकिंग कौन सा है? ICICI बैंक है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है साथियों HDFC कैपिटल। HDFC आपसे देख के आपको याद आ जाना चाहिए कि HD सॉफ्ट HD जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट और HDFC ने साइन अप किया था फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है साथियों, तो आपको याद रखना है कि सॉफ्ट, तो वो याद ही हो गया, हम लोग रिवाइज हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। HDFC कैपिटल ने जो किया है वो दो स्कीम लॉन्च की है, HDFC कैपिटल अफोर्डेबल रियल एस्टेट फंड HCR टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबल फंडिंग अक्रॉस अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग अर्ली स्टेज फंडिंग। ठीक है, तो 376 मिलियन स्कीम की रिक्वायरमेंट है इनको। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। एक्सिम बैंक ने लॉन्च किया है 10 ईयर सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू किसने लॉन्च किया है? एक्सिम बैंक ने। तो आपको याद रखना है आपकी एक्स आपको सस्ता गिफ्ट देती थी, ठीक है, या देता था। एक्सिस बैंक सस्ता गिफ्ट देखा था, देता था, सस्ता से सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू, एक्स से एक्सिम बैंक। ठीक है, आपको याद रखना है। तो एक्सिस बैंक देखते हैं, आपको याद आ जाएगा एक्स, और एक्स क्या करता था? आपको सस्ता गिफ्ट देता था या देती थी, दोनों का ही हो सकता है एक्स। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशू एक्सिम बैंक के साथ, एक्सिम बैंक इशू सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड जो इशू किया है वो एक्सिम बैंक ने इशू किया है। ठीक है, और इंडियन एक्सिम बैंक बिकम्स फर्स्ट इंडियन इशूअर टू ओपन द मार्केट्स फॉर डॉलर एंड सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड इशूज इन 2023 बाय इशूइंग एट कूपन रेट। ये जानने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको याद रखना है कि इंडियन एक्सिम बैंक ने सबसे सस्ता सॉरी सस्टेनेबल बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, किसने इशू किया है सस्ता? आपके एक्स ने, एक्स मतलब एक्सिस बैंक। चलिए एक बार फिर से जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंडियन बैंक ने QR लॉन्च किया है फॉर चामुंडेश्वरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन इन कर्नाटका। बंधन बैंक, जहां बंधन वहां ट्रस्ट, जहां ट्रस्ट वहां सौरभ गांगुली। ठीक है दादा, सिडबी ने कहा कि सिडबी ने क्या किया है? SVS, सिडबी, VFS कैपिटल और SME सेक्टर के लिए, है ना। डिजिटल सॉल्यूशन फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर से आपको याद आएगा एक्सपोर्टर के पहले एक्स के पहले ई के पहले क्या वोवेल आता है? ई के बाद क्या वोवेल आता है? वो आई, तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। HDFC कैपिटल हम लोग ने देख लिया। एक्स आपको क्या करेगा? सस्ता गिफ्ट देगा, मतलब एक्स से एक्सिस एक्सिम बैंक और सस्ता से सस्टेनेबल बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, तो एक्सिम बैंक ने सस्टेनेबल बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट चीज़ें अपनी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों SBI से। अभी हम लोगों ने देखा था सभी को वेयर हाउस से लोन मिलेगा, तो वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने SBI से
पार्टनरशिप की थी टू अवेल लो इंटरेस्ट लोन्स टू फार्मर्स, हम लोग ने अभी वो रिवाइज कर लिया। यहाँ पे देख लेते हैं, SBI लॉन्चेस ई बैंकिंग ई बैंक गारंटी फैसिलिटी इन एसोसिएशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस टर्न अराउंड फॉर डिलेज टू मिनट्स। ठीक है, तो SBI ने क्या लॉन्च किया, ई बैंक गारंटी विद NESL, ठीक है, ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ। रशियन के VTB बैंक को मिल गया है परमिशन टू लॉन्च डायरेक्ट पेमेंट्स इन रुपीज़। कौन सा बैंक है साथियों, रशिया का VTB बैंक है, RVTB, ठीक है, रशियन का VTB बैंक है। साउथ इंडियन बैंक ने क्या किया है साथियों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज बिन इंक बिटवीन साउथ इंडियन बैंक एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डीलर्स ऑफ सेल अक्रॉस इंडिया। तो एस से सेल है और एस से साउथ इंडियन है, ठीक है, एस से सेल, एस से साउथ इंडिया। तो आपसे पूछेगा कि सेल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आप बता पाएंगे एस से रिलेटेड, तो साउथ इंडियन बैंक ने। साउथ इंडियन बैंक ने किसके साथ MOU साइन किया है, तो आप बता पाएंगे एस, फिर से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, एस एस दोनों जगह है, इनिशियल दोनों जगह है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। PNB आया है साथियों, PNB से क्या था याद साथियों, ये स्टार भी है और आधार भी है ना। स्टार से क्या था, स्टार हेल्थ ने इनके साथ बैंक का इंश्योरेंस के लिए पार्टनरशिप की है। और आधार क्या था साथियों, आधार हाउसिंग फाइनेंस के लिए साइन अप किया गया था ताकि सस्ती दरों पे लोगों को घर मिल सके। किसने लॉन्च किया था, पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक है साथियों। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट डिजिटली फॉर कस्टमर्स हु डू नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेगुलर क्रेडिट कार्ड। ठीक है, वाह, तो पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तभी वो स्टार हो गया है। ठीक है, आप ऐसे दोनों को, तीनों को लिंक कर लेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक ने क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया है इसलिए वो स्टार हो गया है। जैसे पूछेंगे ना कि PNB क्यों स्टार हुआ है, क्योंकि उसने FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की सुविधा दे दी है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अब AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्वाइप अप प्लेटफॉर्म दैट अलाउज अदर बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स टू गेट अपग्रेडेड AU क्रेडिट कार्ड। ठीक है, AU क्रेडिट कार्ड स्वाइप अप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसको, किसने, अलाहाबाद, सॉरी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए फिर से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। SB ने ई बैंक गारंटी किया है NESL के साथ। रशियन के VTB बैंक को डायरेक्ट पेमेंट इन रुपीज़ के लिए परमिशन मिल गई है। साउथ इंडियन बैंक मतलब एस, तो एस से सेल के साथ पार्टनरशिप की है। पंजाब नेशनल बैंक स्टार है क्योंकि उन्होंने क्रेडिट कार्ड देने का वादा किया है अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। और AU स्माइल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, स्वाइप अप प्लेटफॉर्म। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट न्यूज है साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज वंस अगेन इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड इन 2022। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन सा है साथियों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों, ईडलवीज एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है ईडलवीज क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड, इंडियाज फर्स्ट पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। ठीक है, पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड किसने लॉन्च किया है, वो किया है वाइज ने, मतलब ईडल वाइज, आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, ईडल वाइज नहीं पढ़ेंगे, आप वाइज पढ़ेंगे। तो वाइज लोग पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कौन करते हैं, वाइज मतलब ईडल वाइज मैनेजमेंट लिमिटेड ने लॉन्च किया है पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का क्या नाम है, क्रिसिल IBX 50/50 गिल्ड प्लस SDL शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड। ठीक है, पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन इंडेक्स फंड किसने लॉन्च किया है, वाइज लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, टाइम पे ईवॉक, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, टाइम पे ईवॉक क्या है, किसने लॉन्च किया, नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने हैज लॉन्च टाइम पे ईवॉक, अ UPI इंजन फॉर पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज। तो एक UPI इंजन है। ठीक है, टाइम पे ईवॉक विच इज अ मॉडर्न डे पेमेंट प्लेटफॉर्म विट विल एक्ट एज अ वन स्टॉप UPI पेमेंट सोल्यूशन फॉर डिजिटल मर्चेंट एंड एंश्योर सिक्योर रिलायबल एंड फास्ट पे पेमेंट कलेक्शंस। तो टाइम पे ईवॉक जो है वो एक इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड पेमेंट प्लेटफॉर्म है। तो किसने लॉन्च किया है, NPST ने। ठीक है, NPST ने क्या लॉन्च किया है, टाइम पे ईवॉक। ठीक है, NPST ने। ठीक है, आपको याद नहीं, इसको आप स्टार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइम पे ईवॉक।
नेक्स्ट है साथियों SBM बैंक। अभी आपको याद आएगा ये इसका क्या फुल फॉर्म होता है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। तो माँ ने क्या नहीं कर पाया था, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का लाभ नहीं उठा पा रही थी। क्यों? क्योंकि RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था ऑन इट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विद लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, SBM लिमिटेड हैज रेज 99 करोड़ फ्रॉम LIC थ्रू इशुएंस ऑफ सेकेंड ट्रांच ऑफ Basel III कंप्लाइंट बॉन्ड्स ऑन January 24, 2023। ठीक है, तो January 24, 2023 को ने SBM बैंक ने LIC से रेज किया है कितना, 99 करोड़। तो आपको याद है माँ ने कितना रेज किया LIC से, माँ को कितना मिला LIC से, 99 करोड़। ठीक है, क्योंकि माँ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम का फायदा नहीं उठा पा रही थी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। NSE क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड एक्सचेंज है। वाइज लोग क्या करते हैं, पैसिव शॉर्ट ड्यूरेशन फंड लॉन्च करते हैं। टाइम पे वॉक किसका है, NPST नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, पेमेंट प्लेटफॉर्म है। और SBM बैंक ने क्या किया है, SBM को क्या मिला है, माँ को क्या मिला है, 99 करोड़ फ्रॉम LIC, क्योंकि वे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम नहीं यूज कर पा रही थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है साथियों, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड से रिलेटेड। तो इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड किसने लॉन्च किया है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने। ये क्या करेगा, ये यूलिप यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान के साथ लिंक करेगा, विच इज एबल टू इन्वेस्ट इन मिड कैप कंपनीज एंड राइजिंग मार्केट लीडर्स विद पोटेंशियल टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फ्यूचर ग्रोथ। तो टाटा AIA ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड स्टैब्लिश किया है किस, ठीक है। आप ये तीन तीन लेटर तीन वर्ड है, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड, तो आपको याद ना AIA, ठीक है, AIA इंश्योरेंस, ठीक है, AIA इंश्योरेंस ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड स्टैब्लिश किया है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, जो साइन किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, अ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप। ठीक है, इन्होंने स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साइन अप किया है कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विद सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो बप्पा है वो सुंदर है। ठीक है, बप्पा मतलब पिताजी, फादर, ठीक है, BUPA, बप्पा जो है वो है सुंदर। ठीक है, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करते हैं। ठीक है, बप्पा है सुंदर क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है, सुंदरम के साथ, किसने किया है, नीवा बुपा ने। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड ने किसके साथ कॉर्पोरेट एजेंसी साइन किया है, तो आपको याद रखना है सुंदर कौन है, बप्पा सुंदर है, मतलब नीवा बुपा। आपसे पूछेगा कि नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने किसके साथ साइन अप किया है, तो आप बोलेंगे कि बप्पा क्या है, सुंदर है, तो सुंदरम फाइनेंस के साथ। और अगर ये पूछेंगे कि नीवा बुपा और सुंदरम ने आपस में किस चीज के लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया है, तो आप बता पाएंगे बुप्पा सुंदर है क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करता है, तो कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। तो तीनों डायमेंशन आपके इसमें कवर हो गए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आई टर्म इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया, एजियन लाइफ इंश्योरेंस हैज लॉन्च आई टर्म प्राइम इंश्योरेंस प्लान विच विल फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स बाय ऑफरिंग अ स्पेशल 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो आई टर्म इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है, एजियन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, एजियन लाइफ इंश्योरेंस ने, ठीक है, एजियन लाइफ इंश्योरेंस ने। आई के पहले क्या आएगा, वोवेल, ए आएगा, तो एजियन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आपको ऐसे ही बताया था ना, एक्सपोर्टर्स किसने लॉन्च किया, एक्सपोर्टर्स के लिए बैंकिंग मतलब डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो ई सब बाद ई के बाद आता था क्या, आई, तो ICICI बैंक ने, अभी हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही आई टर्म इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है, आई से पहले आता है वोवेल, ए, तो एजियन लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है साथियों, नेक्स्ट न्यूज है साथियों, गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम है, ये किसका है साथियों, मास्टर कार्ड का है। ठीक है, तो गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम किसका है, मास्टर कार्ड का है। ठीक है, तो मास्टर जी सिखाएंगे टेक गर्ल्स को। ठीक है, मास्टर जी सिखाएंगे टेक टेक्नोलॉजी गर्ल्स को। ठीक है, तो गर्ल्स फॉर टेक कौन करेगा, मास्टर जी करेंगे, मास्टर जी मतलब मास्टर कार्ड। ठीक है, जीवन आजाद तो है LIC से रिलेटेड है। ठीक है, LIC हैज अनवील्ड जीवन आजाद अ न्यू नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान डिजाइन फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है साथियों, तो जीवन आजाद लॉन्च किया है, वो LIC ने लॉन्च किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होंगी और आराम से ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद भी कर पा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड तीन लेटर है, तो इसमें कौन कौन से, AIA, ठीक है, AIA ने लॉन्च किया है इसको, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। निवा बुप्पा हेल्थ इंश्योरेंस से क्या है, तो बुप्पा सुंदर है क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करता है, निवा बुप्पा
भोपाल से निवा भोपाल हेल्थ इंश्योरेंस, कॉरपोरेट मतलब कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन हुआ है किसके साथ, सुंदर सुंदरम मतलब सुंदर मतलब सुंदरम फाइनेंशियल लिमिटेड के साथ, ठीक है। आई टर्म इंश्योरेंस प्लान किसने लॉन्च किया है साथियों, आई से पहले आता है ए, तो एजियन लाइफ इंश्योरेंस ने आई टर्म इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है, ठीक है। गर्ल्स फॉर टेक प्रोग्राम में क्या है, गर्ल्स को टीच करना है, कौन टीच करेगा, मास्टर, तो मास्टर कार्ड का ये इनिशिएटिव है ना। जीवन आजाद क्या है, LIC का नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स। तो यहाँ पे हम लोग ने ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग ने ये जितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस स्लाइड में आराम से हम लोग ने कवर कर लिया, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी नेक्स्ट न्यूज़ कवर करते हैं। यहाँ पे साथियों एक पेटेल, ये पेटीएम नहीं है, पेटीएम ने साथियों क्या था, पेटीएम कहाँ नहीं काम कर रहा है, सिटी में नहीं काम कर रहा है ना, तो पेटीएम और सिटी बैंक का जो पार्टनरशिप थी वो एंड हो चुकी थी, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ पार्टिसिपेट किया टू प्रोवाइड लोन्स और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सच एज बाइसिकल, EV, मोबाइल डिवाइसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड किचन अप्लायंसेस। EV से साथियों आपको याद आ जाएगा टाई, है ना, टाई, टाटा इंश्योरेंस और ICICI बैंक ने, टाटा और ICICI बैंक ने EV डीलरशिप के लिए पार्टनरशिप की थी, अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा था। देखिए कैसे ही स्विफ्टली हम लोग अपनी चीज़ों को याद भी कर पा रहे हैं, पढ़ भी पा रहे हैं और एनालाइज भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद है पेटीएल ने HDB के साथ, ठीक है, HDB के साथ, ठीक है, HDB के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड लोन्स और लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हैज रेज मोर देन 30,000 करोड़ इन कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स विद अ सैंक्शन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़, ठीक है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि जुलाई 2020 में लॉन्च की गई थी फॉर द क्रिएशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्म एसेट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये डेवलप की गई थी एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू बी मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, द स्कीम वुड डिसबर्स ₹1,00,000 करोड़ बाय फिजिकल ईयर 25-26 वाइल इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड अंटिल 2032-33। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च ये चलेगी 32-33 तक, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और कितना रेस कर लिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, 13,000 करोड़, ठीक है, 13,000 करोड़, जिसमें से 15,000 कैपिटल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सैंक्शन किया जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं, पेटीएल ने किसके साथ किया है, HDB के साथ और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितना रेस कर चुका है, 30,000 करोड़ विद सैंक्शन अमाउंट ऑफ 15,000 करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है साथियों। और ये लॉन्च किया गया था 2020 में एंड वॉज डेवलप्ड एज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, 32-33 तक, ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन इसमें आपको याद ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों HDFC बैंक से रिलेटेड, तो HDFC टू रेज एटलीस्ट 30 बिलियन थ्रू इश्यू ऑफ 10-year bonds, ठीक है। अभी HDFC के लिए हम लोग ने पहले क्या देखा था, HDFC HD सॉफ्ट वीडियोस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट और HDFC के बीच MOU साइन हुआ था फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, HDFC विल रेज एटलीस्ट 30 बिलियन थ्रू इश्यू ऑफ 10-year bonds। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है HDFC की, इट हैज़ पार्टनर्ड विद NPCL नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू अलाउ पॉलिसी होल्डर्स टू पे द प्रीमियम्स वाया UPI 123 पे अ यूनिक वॉइस बेस्ड यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस, ठीक है। तो UPI के साथ पार्टनरशिप की है, UPI के लिए पार्टनरशिप की है NPCI ने और HDFC ने, ठीक है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च किया है क्या, विक्रम द कॉन्टैक्टलेस पे रुपए क्रेडिट कार्ड, ठीक है, डेडिकेटेड टू इंडियन डिफेंस पैरामिलिट्री एंड पॉलिसी पुलिस पर्सनल ऑन द ओकेजन ऑफ 74th रिपब्लिक डे January 26, 2023 को। तो BOB ने लॉन्च किया है विक्रम, ठीक है, तो आपको याद रखना है बार में गया कौन, विक्रम, बाहर में गया विक्रम, ठीक है, विक्रम, विक्रम क्यों जो है वो है कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो बाहर में कौन गया साथियों, बाहर में गया विक्रम, ठीक है, जो कि डिफेंस पर्सनल है, आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। बाहर में कौन गया डिफेंस में, बाहर में कौन गया विक्रम जो कि डिफेंस पर्सनल है। अफ्रीको साथियों क्या है, द सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया लॉन्च द डोमेस्टिक कार्ड स्कीम एफ्रीगो टू बोस्ट कैशलेस इकोनॉमी एंड कम्पीट विद फॉरन कार्ड्स लाइक मास्टर कार्ड एंड वीजा। तो एफ्रीगो किसने लॉन्च किया है, नाइजीरिया ने, ठीक है, आपको याद रखना है नाइजीरिया ने, ठीक है, एफ्रीगो किसने लॉन्च किया है, नाइजीरिया ने, ठीक है,
नाइजीरिया ने, आप ऐसे याद रखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, नेफ्री को याद रखेंगे, ठीक है, नेफ्री को, जहाँ एफ्री को दिखे आपको आप याद करिएगा नेफ्री को, ठीक है, नेफ्री को, एन से नाइजीरिया, नामीबिया भी हो सकता है, नाइजर भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा नाइजीरिया की बात हो रही है, ठीक है, नेफ्री को, ठीक है, नाइजीरिया से, एन से नाइजीरिया है, ना कि नामीबिया या नाइजर, ठीक है, नाइजीरिया है, तो वो एफ्रिगो लॉन्च करेगा। अब सिग्नेचर मिलेनियल एंड सिग्नेचर जेनेक्स जो एक क्रेडिट कार्ड है, किसने लॉन्च किया है, वो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च, अवीवा सिग्नेचर इन्वेस्टमेंट प्लान, अ यूनिट लिंक, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्लान टारगेटिंग मिलेनियल एंड जेनेक्स कस्टमर्स, ठीक है, द प्लान कम्स विद टू ऑप्शन, सिग्नेचर मिलेनियल एंड सिग्नेचर जेनेक्स, ठीक है, तो सिग्नेचर मिलेनियल और सिग्नेचर जेनेक्स किसकी किसने किसने लॉन्च किया है, अवीवा ने, ठीक है, अवीवा मतलब क्या होता है, वाइवा, ठीक है, मिलेनियल्स वाइवा नहीं देते, मिलेनियल्स और जेनेक्स वाइवा नहीं देते हैं, आप याद रखिएगा, तो इसलिए अवीवा लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है साथियों इंडियाज एक्सटर्नल डेट से और जीएसटी रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है, तो देख लेते हैं इंडियाज एक्सटर्नल डेट की क्या सिचुएशन है। तो इंडियाज एक्सटर्नल डेट एट 610 बिलियन इन क्वार्टर टू ऑफ फिस्कल ईयर 2023, तो 610 बिलियन है इंडिया की एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट एक चीज़ होती है और एक होती है इंटरनल डेट, ठीक है, इंटरनल डेट जो हमें अपने डोमेस्टिक बाउंड्रीज में देना होता है, और एक्सटर्नल डेट जैसे हम लोग ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हो या किसी कंट्री से लोन लिया हो तो उसको एक्सटर्नल डेट कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स भी इसको कहते हैं, ठीक है, तो इंडिया की एक्सटर्नल डेट जो है वो है 610 बिलियन, ठीक है, 610 बिलियन डॉलर इन फिस्कल ईयर 2023 क्वार्टर टू, आपको याद रखना है ये चीज़, ठीक है, आप पूछ सकते हैं इंडिया की एक्सटर्नल डेट कितनी है, ठीक है, एज पर द फिगर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंडियाज एक्सटर्नल डेट स्टूड एट 610.5 बिलियन डॉलर्स इन क्वार्टर टू ऑफ फिस्कल ईयर 2023, शोइंग अ डिक्रीज ऑफ 2.3 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, तो 610 थी तो अराउंड 612 थी, 612.8 थी, जिससे ये डिक्रीज होके 610.5 बिलियन डॉलर्स हो गई है, ठीक है, और जो रेशियो है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 19.2%, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, 610 बिलियन एब्सोल्यूट टर्म्स में और परसेंटेज टर्म्स में 19.2, ठीक है साथियों, तो और ये एट दी एंड ऑफ फिस्कल ईयर 23 एज कम्पेयर टू 19.3 एट एंड ऑफ क्वार्टर वन ऑफ फिस्कल ईयर 23, तो क्वार्टर टू में 19.2 है और क्वार्टर वन में 19.3 थी, तो 0.1% कम हो गई है, ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि 610 बिलियन इस एक्सटर्नल डेट एब्सोल्यूट टर्म्स में है और परसेंटेज टर्म्स में 19.2% है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली डॉलर होगा क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, तो सारे पेमेंट्स जो होते हैं डेट ऑब्लिगेशंस या इंटरेस्ट सर्विसिंग वो डेट डॉलर में होगी, तो सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो होगा वो डॉलर का ही होगा, तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर डिनोमिनेटेड डेट रिमेन द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट विद द शेयर ऑफ 55.5%, ठीक है, फॉलोड बाई इंडियन रुपी, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, येन एंड यूरो, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंट किसका है, डॉलर का है ऑब्वियसली, उसके बाद है इंडियन रुपी, फिर है SDR, ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, 610 बिलियन डॉलर एब्सोल्यूट टर्म्स में है, 19.2% टर्म्स में एक्सटर्नल इंडियाज एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो, और सबसे ज्यादा कंपोनेंट ऑब्वियसली किसका है, डॉलर का है, ठीक है, डॉलर डिनोमिनेटेड डेट है, ठीक है, अब देखते हैं जीएसटी रेवेन्यूज के बारे में बात कर लेते हैं साथियों, तो जीएसटी रेवेन्यू जो है वो ग्रो किया है 15% टू 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको याद रखना है, अगर कोई भी एग्जाम दिसंबर या जनवरी या फरवरी में हो रहा है तो ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022 में हासिल किया गया है जीएसटी के थ्रू, ठीक है, तो इंडियाज जीएसटी रेवेन्यूज इंक्रीज 15% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 1.49 लाख करोड़ इन दिसंबर 2022, सजेस्टिंग रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग हॉलीडे सीजन, ठीक है, ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड ड्यूरिंग दिसंबर 2022 इज 1,49,000 करोड़, ठीक है, 1,49,000 करोड़, आउट ऑफ विच सेंट्रल जीएसटी इज 26,000 करोड़, एसजीएसटी इज 33,000 करोड़ और आईजीएसटी सबसे ज्यादा होगा जो कि है 78,000 करोड़, ठीक है, और सेस में कितना है 11,000 करोड़ रुपए, तो खैर आपको ये डिवीजन तो पूरा नहीं याद रखना है, ब्रेकअप पूरा नहीं याद रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि 1.49 लाख करोड़ रिसीव हुए हैं दिसंबर 2022 में। फॉर द 10th कंसेक्यूटिव मंथ जीएसटी रेवेन्यूज हैव एक्सीडेड 1.4 लाख करोड़, ठीक है, लगातार 10 महीनों तक जीएसटी के जो रेवेन्यूज अर्न हुए हैं वो 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा हैं। नवंबर में कितना था साथियों, नवंबर में रफली 4.6 लाख करोड़ अर्जित किया गया था जीएसटी रेवेन्यूज से, ठीक है, दिसंबर में 1.49 लाख, ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी, और जो इसमें
एब्सोल्यूट टर्म्स में जो भी वैल्यूज दी गई हैं आपको वो ध्यान में रखना है। एक तो इंडियाज एक्सटर्नल डेट याद रखना है, 610 बिलियन डॉलर्स है, इन परसेंटेज टर्म्स में 19.2 है, और जीएसटी की जो रेवेन्यूज है दिसंबर की वो 1.49 लाख करोड़ है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी लास्ट स्लाइड देख लेते हैं इस वीडियो की। ये आखिरी स्लाइड है साथियों इस पूरे वीडियो की, तो देख लेते हैं यहाँ पे दो न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है साइबर संगिनी की। तो साथियों साइबर संगिनी एक इनिशिएटिव है जिसको ओप्पो इंडिया और मीटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है टू ट्रेन 10,000 वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी थ्रू साइबर संगिनी। ठीक है, साइबर संगिनी, ठीक है, तो आपको याद रखना है ओ संगिनी, ओ से ओप्पो, ठीक है, ओ से ओप्पो, ओ संगिनी याद रखना है। ठीक है, ओ संगिनी, जैसे ओ सनम गाना है ना लकी अली साहब का, ओ सनम, वैसे ये ओ संगिनी, तो ओ से आपको याद रखना है ओप्पो इंडिया। ठीक है, ओप्पो इंडिया और मीटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने 10,000 वुमेन को ट्रेन करने के लिए साइबर सिक्योरिटी में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। बस आपको इतना याद रखना है कि किसने लॉन्च किया, ओ संगिनी। ठीक है, तो साइबर संगिनी किसकी इनिशिएटिव है, ओ संगिनी मतलब ओप्पो इंडिया की। ठीक है, किसके साथ, मीटी के साथ। ये तो ध्यान, ये तो समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेशल एविएशन फ्यूल। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्टार्ट किया है एक्सपोर्ट ऑफ इट्स फर्स्ट स्पेशल एविएशन फ्यूल फॉर स्मॉल एयरक्राफ्ट एंड अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, टू पापा न्यू गिनी। ठीक है, पापा न्यू गिनी, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन पापा जो होते हैं वो साफ होते हैं। ठीक है, इंडियन पापा जो होते हैं वो साफ होते हैं, इंडियन पापा जो होते हैं साफ होते हैं। ठीक है, तो इंडिया से आपको याद रखना है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, पापा से कहाँ एक्सपोर्ट किया गया आपको याद रखना है पापा न्यू गिनी, और साफ से आपको याद रखना है स्पेशल एविएशन फ्यूल। ठीक है, तो आपको तीनों डायमेंशन इसमें कवर होगा। अगर आपसे पूछेगा कि स्पेशल एविएशन फ्यूल किसने एक्सपोर्ट किया है तो आप बता देंगे किसने एक्सपोर्ट किया है, इंडियन पापा साफ हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। कहाँ एक्सपोर्ट किया तो आपको याद रखना है पापा को एक्सपोर्ट किया, मतलब पापा न्यू गिनी मतलब पापा साफ रहते हैं, तो साफ मतलब SAF मतलब स्पेशल एविएशन फ्यूल। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए दोनों ट्रिक्स देख लेते हैं। तो पहली है ओ साइबर संगिनी, ओ मतलब ओप्पो और मीटी की ये इनिशिएटिव है टू ट्रेन 10,000 वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी है, और दूसरा क्या है साफ, तो कौन साफ है, इंडिया पापा। ठीक है, इंडिया वाले पापा, ठीक है, इंडियन पापा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है और एक्सपोर्ट कहाँ किया है, पापा न्यू गिनी को। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन भी आपको रेलेवेंट लगेगी और मे बी एग्जाम में पूछी भी जा सकती है। तो बहुत ही पेशेंटली इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, खूब मेहनत करते रहिए, जीत आपकी होगी एक दिन। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, आप अपने सपनों के साथ अपने मम्मी पापा के सपने भी पूरे करेंगे, बस आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।